Hey guys, a very warm welcome to today's session. आज हम करने वाले हैं natural vegetation and wildlife का one shot revision and it's going to be super fun session because ये बहुत ही मजेदार chapter है, बहुत ही informative chapter है and इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है. The very few things that we have to focus on and I think this is going to be one of the shortest one shots because they're not like a lot of information in this, though it is very informative, I did say, but they're not like a lots and lots of information bombarding on us. So, shuru karte hain aaj ka hamara one short video with me, your master teacher for social sciences at Vidhato Ankana, and I hope all my bachas are doing absolutely fine and amazing. So, chalo bacho, shuru karte hain, but uske pehle ek quick reminder bhi de deti hu main ki aap kar sakte ho ab vote apne comeback ke liye. Ye dates hain aapke voting ke. ठीक है, 28 मार्च, 4th अप्रैल, 11th अप्रैल एंड 18th अप्रैल, यहाँ पे आप कर सकते हो वोटिंग. ठीक है, और ये आप अपने कमबैक के लिए करोगे. यहाँ पे आपको मिलेगी इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस, अमेजिंग स्कॉलरशिप. बच्चों 500 करोड़ रुपीस तक के स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं. तुम्हें बता नहीं सकती क्या क्या जीतने का मौका है. टेलीस्कोप, नासा जाने का मौका है, स्पीकर्स जीतने का मौका है, लाइक एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज नाउ गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर यू जस्ट विद दिस. But more importantly, you get a chance to do your comeback. जो भी कोविड ने हमसे छीना है वो सब वापस लेने वाले हम, है ना. ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे डेली चैलेंजेस होंगे. आप एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हो, बट द मोस्ट मोस्ट अमेजिंग प्राइज जो हमें भी नहीं मिल रहा है वो है वेदांतो का सीईओ बनने का मौका यार, एंड नासा जाने का मौका. तो बिल्कुल भी मत छोड़ना ये एक्साइटिंग प्राइजेस. ये जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिस चीज पे भी यहाँ नजर जा रही है, ये सारे आपके लिए है. तो प्लीज मेक श्योर टू गो अहेड एंड गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड. ये रहा लिंक, आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना. ये आपका लिंक का यू नो दिस इज फॉर योर टेलीग्राम ग्रुप लिंक एंड दिस इज वेयर यू गेट रजिस्टर्ड. द स्टेप्स आर क्लियरली एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. यू कैन इवन मेक योर ओन स्क्वाड्स. आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हो. मैं फटाफट एक बार फॉर्मेट बता देती हूँ. बेसिक यू नो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, मैथ्स वगैरह टेस्ट होंगे आपके. अराउंड 40 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप करेक्ट आंसर के लिए प्लस 4 जीतोगे. जीतोगे नहीं, यू विल गेट स्कोर. यू विल बेसिकली अर्न प्लस 4 पॉइंट्स. मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर माइनस 1. ये मार्किंग स्कीम है. 60 मिनट्स का एग्जाम ड्यूरेशन है. डेट्स आपके पास ऑलरेडी है. अब ये स्क्वाड्स क्या है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर के भी जीत सकते हो. ठीक है, बड़ा स्क्वाड होगा, ज्यादा पॉइंट्स होंगे, सारे एक साथ पूलन करके बिल्कुल मचा लेना. तो इसी के साथ वोट करना भूलना मत अपने कमबैक के लिए. और अब हम करते हैं हमारा कमबैक हमारे सेशन के साथ. इंट्रोडक्शन क्या है नेचुरल वेजिटेशन. देखो नेचुरल वेजिटेशन, सबसे पहले हम समझते हैं नेचुरल वेजिटेशन की बात हो रही है. वॉट इज नेचुरल वेजिटेशन, वॉट डू वी मीन बाई नेचुरल वेजिटेशन. मुझे देखो बहुत सिंपल सी बात है यार, जो भी चीज़ जो ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना अपने आप से जो पौधे वगैरह उग रहे हैं ना जंगल में, और आप देखते हो कि सड़कों के किनारे इधर उधर जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हुआ, वो नेचुरली वेजिटेशन यू नो ग्रो किया हुआ वेजिटेशन है, उसे हम नेचुरल वेजिटेशन के अंदर काउंट करते हैं. ठीक है, बट नेचुरल वेजिटेशन इन वाइल्ड लाइफ ऑल्सो टॉक्स अबाउट नॉट जस्ट द वेजिटेशन, क्योंकि जंगल, पेड़, उसके साथ साथ जानवर, चिड़िया, बर्ड्स, ये देखो हैंड एंड हैंड, ये दोनों नेचर का इको सिस्टम ऐसा फॉर्म है कि सब साथ साथ ही चलते हैं. तो फ्लोरा आपके वो प्लांट्स हो गए जो एक रीजन में होते हैं, फौना वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स होते हैं. इंडिया इसमें काफ़ी ज़्यादा रिच है. प्लांट स्पीशीज आप देखोगे तो 47,000 है. प्लांट डाइवर्सिटी में हम 10th में रैंक करते हैं और एशिया में 4th. तो मैंने जैसे आपको बताया काफ़ी आगे हैं हम. हमारे पास 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स है जो कि 6% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं ऑफ द इंटायर वर्ल्ड कॉन्सेंट्रेशन यू नो नंबर. एंड ऑफकोर्स एनिमल स्पीसीज में भी हम बिल्कुल पीछे नहीं है. 90,000 स्पीशीज वी हैव, मेकिंग अस वेरी वेरी रिच ऑल्सो इन वेराइटी ऑफ फिशेज. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस. लेकिन कहीं का भी नेचुरल वेजिटेशन, कौन से जानवर, कौन से पेड़ कहाँ होते हैं, वो कैसे डिटरमाइन होता है. देखो आपने खुद देखा होगा, आप अगर कभी अमेरिकन मूवीज देखोगे या वहाँ के पिक्चर्स देखोगे तो वहाँ पे आपको मेपल ट्रीज दिखेंगे, चेरी ब्लॉसम्स दिखेंगे. आप यहाँ पे अगर लेट्स से कश्मीर का देखते हो तो वहाँ पे आपको चिनार का पेड़ दिखेगा, दादर का पेड़ दिखेगा, राइट. कॉनिफेरस ट्रीज दिखेंगे. आप अगर साउथ इंडिया में देखोगे तो यहाँ पे आपको कॉफ़ी प्लांटेशंस दिखेंगे. तो ये प्लांटेशंस वगैरह सब अलग है, अलग रीजन में अलग तरह के पेड़, अलग तरह के फूल, अलग तरह के जानवर. पोलर बियर सिर्फ पोल्स में ही क्यों मिलता है, यहाँ क्यों नहीं मिलता है. टाइगर सिर्फ इधर क्यों मिलते हैं, वहाँ क्यों नहीं मिलते हैं. ये क्या फैक्टर्स है. तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है रिलीफ और क्लाइमेट से. ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन इन दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. और जैसे मैंने आपको बताया था वर्जिन वेजिटेशन जो हमारे इंटरफेरेंस के बिना ग्रो करती है. रिलीफ क्या होता है, रिलीफ का मतलब होता है फिजिकल फीचर्स.
सिंपल एज दैट. फिजिकल फीचर्स, ज्योग्राफिकल फीचर्स जैसे कि लैंड, जैसे कि सॉयल. तो बच्चा देखो, आप प्लांट को कैसा खाना खिला रहे हो वो बिल्कुल डिटरमाइन करेगा कि वो कैसा होगा. जीन्स भी मैटर करते हैं. जैसे कि अलग अलग कंट्री में रहने वाले लोग जेनेटिकली अलग होते हैं. एशियंस एक अलग तरह से दिखते हैं, ठीक है, हम इंडियंस का अलग तरह का लुक होता है. मिडल ईस्ट वाले लोग अलग तरह के दिखते हैं. अफ्रीकन्स अलग तरह के दिखते हैं. अमेरिकन्स अलग तरह के दिखते हैं. एवरी वन हैज समथिंग जेनेटिक. हमारे यहाँ यू नो ब्लॉन्ड है और बहुत ज़्यादा वाइट स्किन नहीं होती, हमारे जीन्स में नहीं है, क्योंकि हमारा वैसे ही ग्रोथ हो गया और इस एरिया में, इस ज्योग्राफिकल एरिया में आपको वैसा ही मिलेगा, राइट. तो यही बात आप अप्लाई कर लो प्लांट्स और एनिमल्स के साथ, ठीक है. लैंड जो है वो बिल्कुल सीधा सीधा असर करती है, क्योंकि योर लैंड इज द मोस्ट सपोर्टिंग फैक्टर, राइट. इसके बेसिस पे ही सब कुछ डिसाइड होता है, पौधा उगेगा नहीं उगेगा, ट्रीज ग्रो करेंगी नहीं करेंगी, कितनी बड़ी करेंगी, कैसे होंगी. एरिड रीजन है तो पानी कम होगा, लैंड पे डिपेंड करता है. तो ये सब कुछ बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है, ठीक है. तो फर्टाइल लेवल कितना है, फर्टिलिटी कितनी है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, ठीक है. उसके बाद अनड्यूलेटिंग and rough terrains are areas of grasslands and woodlands. जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे trees का grow करना थोड़ा difficult हो जाता है. Area वैसा है, terrain वैसा है, ठीक है. उसके बाद आता है soil. Soil आपको पता है हर ज़मीन अलग अलग होती है. जैसे कि महाराष्ट्र में हमारे पास cotton की grow करता है, क्योंकि वहाँ black soil है, वो cotton की growth को support करता है. Wheat, पैडी, ये हमें हमारे ग्रेनरीज ऑफ इंडिया में, यानी कि यूपी में, पंजाब में, बिहार में, यहाँ ही क्यों मिलती हैं, क्योंकि यहाँ का सॉइल, एलुवियल सॉइल, नॉर्दर्न प्लेन का सॉइल इसको सपोर्ट करता है. तो ये हर जगह वेरी करती है और उसके हिसाब से वेरी करता है वेजिटेशन. और साथ ही साथ एक बहुत 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 बड़ा फैक्टर है क्लाइमेट. देखो, मैंने आपको बोला कि पहाड़ों पे हमें कॉनिफेरस ट्रीज मिलते हैं. क्यों मिलते हैं? वहाँ पे उन्होंने अडॉप्ट कर लिया एज पर द क्लाइमेट. स्नो होता है, बहुत ठंड रहती है, तो ब्रॉड लीव्स नहीं होते हैं, ठीक है. या फिर जैसे कि एरिड रीजन में हमें कैक्टस थॉर्न्स क्यों मिलते हैं, लीव्स क्यों नहीं होती, ताकि इवेपोरेशन ना हो, लॉस ऑफ वाटर ना. तो अडॉप्शन, यू नो अडेप्टेशन, नॉट अडॉप्शन, अडेप्टिंग एज पर द क्लाइमेट इज वॉट हैपन्स. तो क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है. क्लाइमेट में क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको बताया हॉट रीजन में क्या हो जाएगा, सनलाइट कितनी आती है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन, बारिश कितनी होती है. जैसे एरिड रीजन का एक सिंपल एग्जांपल ले लो, मैं सेम एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको सोचना बेटर आसानी हो सके, कि वहाँ बारिश कम होती है तो उसके हिसाब से द प्लांट्स वुड अडॉप्ट देमसेल्फ. तो ये सब कुछ, कितना डेंस वेजिटेशन है, किस तरह का होगा, ये सब कुछ क्लाइमेट पे भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है. अब हम इसके बारे में पढ़ क्यों रहे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वेजिटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू टॉक अ लॉट अबाउट दिस. हमें पता है कि ये एक ऐसा रिसोर्स है. एक तो सबसे पहले ये समझ लो बच्चों कि फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जो हमें नेचर ने दिया है, राइट. बट इट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इट इज़ नॉट एग्जॉस्टेबल, इट इज़ नॉट नॉन रिन्यूएबल, अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स एटसेट्रा, राइट. तो ये रिन्यूएबल है, आप जितने पौधे लगाओगे उतना बढ़ता जाएगा, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती जाएगी, तो एक क्वालिटी यहाँ पे आ गई, राइट. और ये बहुत ज़्यादा मेजर मेजर रोल प्ले करती है. ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, पौधे कटते जा रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, उसमें प्लांटेशन का भी बहुत बड़ा रोल है. तो ये सब कुछ आती है साथ में. ये जो सारे फैक्टर्स जो इनको अफेक्ट करते हैं, उसका रेगुलेशन भी ये खुद ही करती हैं. जैसे कि क्लाइमेट, प्रेसिपिटेशन, इन सब में वेजिटेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है. तो ये भी बहुत ज़रूरी है. उसी के साथ साथ वुड से, फॉरेस्ट से बहुत सारी ऐसी चीज़ मिलती हैं जिससे लोग सर्वाइव करते हैं, अपनी लाइवलीहुड रन करते हैं, लकड़ी बेच करके, फ्रूट्स बेच करके, डिफरेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स बेच करके. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारे इंपॉर्टेंस जो है आप वेजिटेशन को दे सकते हैं. विंड फोर्स को कंट्रोल करना, जो कि फर्दर सॉइल इरोजन से भी बचाता है. तो देखो, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. सॉइल इरोजन से भी ट्रीज जो है रूट्स को, सॉइल को इंटैक्ट रखती हैं, राइट. और साथ ही साथ जो सॉइल में आपका ड्राई लीव्स गिरता है, फ्रूट्स गिरता है, ठीक है, डेड डिकिंग प्लांट्स होते हैं, वो एक ह्यूमस का काम करती हैं, जो कि फर्दर फर्टिलिटी जो है उसकी बढ़ाती हैं सॉइल की. तो एक वो भी चीज़ है, ठीक है. साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है यार, कि दे आर द ओनली शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ. कॉन्क्रीट जंगल के साथ क्या हो रहा है, ये बेचारे जानवर बेघर होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं. तो ये बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है. हाउ एवर, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस. वाई? बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन. हम लोगों ने कर दिया है अपना इंटरवेंशन और कर दी है बिल्कुल बर्बादी.
ये हमारा क्या हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. ओके, सो ह्यूमन इंटरवेंशन हैज डन दिस. वी हैव यू नो देयर आर सेवरल फैक्टर्स. हमने माइनिंग शुरू कर दी है, डेवलपमेंट शुरू कर दी है, कॉन्क्रीट जंगल्स बनाना शुरू कर दिया है, राइट. तो ये सारी चीज़ों ने इन सबको डिक्लाइन कर दिया है और अफेक्ट भी कर दिया है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो ये वेजिटेशन का कवर है, ये धीरे 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 नेचुरल भी नहीं रह गया और कम होने लग गया है कुछ एरियाज को छोड़ करके जहाँ हम पहुँच नहीं पा रहे. तो बेसिकली जहाँ भी ह्यूमंस पहुँच पा रहे हैं वहाँ कर दिए हमने बर्बादी. अब टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की बात करें तो हमारे पास है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडस, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट. तो फटाफट इनके बारे में देख लेते हैं. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बच्चा वो होता है एवरग्रीन है, ठीक है, यानी कि पूरे साल यहाँ पे जो है हरी भरी रहती है, हरियाली रहती है. यहाँ पे आप पत्ते नहीं झड़ते हैं, ठीक है. कई जगह आप देखोगे फॉरेस्ट ड्राई हो गया, पत्ते झड़ गए ऑटम सीजन में, फिर नहीं आए. ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया में होता है. एक सिंपल ये समझो क्यों एवरग्रीन है. तो देखो जवाब अपने आप मिलेगा. आप कई सारे बच्चे पूछते हैं मैम ये सारे फैक्टर्स कैसे याद करें. बच्चा इतनी बारिश हो रही है, इतना पानी मिल रहा है, तो एवरग्रीन तो होगा ना, हरियाली बनी रहेगी, ठीक है. सीजन चेंज आज सच नहीं हो रहा है, ऐसे भी समझ सकते हो. ये इसीलिए ये पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा फर्टाइल होने की वजह से लैंड के काफ़ी ऊंचा भी ग्रो करते हैं. ट्री, श्रब्स, क्रीपर्स, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी और ये पूरे साल आपको हरियाली यहाँ पे दिखेगी. एग्जाम्पल ये ट्रीज़ का नाम ज़रूर याद कर लेना, एक दो, महागनी हो गया, एबनी, रबर, रोजवुड एट्सेट्रा, राइट. तो ये सारे ट्रीज़ का नाम याद कर लेना. एलिफेंट्स, मंकीज वगैरह हमें यहाँ मिलती हैं. स्पेशल अगर बात की जाए तो वन हॉर्न राइनासोरस मिलते हैं हमें असम एंड वेस्ट बंगाल. उसके बाद हम आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट में. ये काफ़ी 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 फैला हुआ फॉरेस्ट है और इसे हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है. ये उस एरिया में होता है जहाँ पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से लेकर के 70 सेंटीमीटर तक होती है और ये लीव्स अपना शेड करते हैं. क्यों एवरग्रीन नहीं है, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती, वेरिएशन होती है बारिश की, ठीक है. ये फर्दर कैन बी, दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई. दिस इज़ प्रीटी सिंपल टू अंडरस्टैंड. मॉइस्ट आपका नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स, फुटहिल्स ऑफ हिमालयस, झारखंड, जहाँ पे बारिश वारिश ज़्यादा होती है उस वहाँ होता है. टीक, बैम्बू, साल, सीशम, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं. मलबेरी, ये आपने याद रखना है, ठीक है. और ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में ही हमें मॉइस्ट डेसिडस ज़्यादा देखने को मिलता है. ड्राई डेसिडस कहाँ मिलता है, जहाँ रेनफॉल थोड़ी कम होती है. ड्राई है ना, तो कंपैरेटिवली लेस रेनफॉल, ठीक है. तो ये लोअर एंड पे है ब्रैकेट के, ये हमारा हायर एंड पे है. दिस इज लाइक हायर एंड moist, higher end of rainfall. Okay, तो moist आपका यहाँ पे connect हो जाएगा, ठीक है. जैसे कि बिहार, यूपी, ये सारे trees हैं आपके, याद रखना होगा. टीक हो गया, साल, पीपल, ये सब आपको इधर देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है. हाउ एवर यहाँ पे अब धीरे धीरे grazing के लिए, agriculture के लिए इनको हम clear करते जा रहे हैं, उसको cultivable land बनाने के लिए, which is not very wise. But we should, like, we are still doing it, right? Lion, tiger, pig, ये सारे animals हैं हमारे. Birds और बाकी चीज़ों में आप बहुत सारे birds भी, lizards, birds नहीं होती हैं, ठीक है, but birds भी हैं. Snakes और tortoises, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. Thorn forest बहुत simple है यार, minimal, you know, minimum, जहाँ पे rainfall बहुत कम होगा. मैंने आपको बताया है वहाँ पे adapt कर ली है trees ने, ठीक है. Trees, bushes, thorny होती हैं हमेशा. Mostly no leaves is what you will see, ठीक है. जैसे कि बबूल, you know, cactus, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. यहाँ पे animals आपको मिलेंगे जो इस जगह survive कर सके, जैसे कि rats, mice, rabbits, fox, wolf, tiger, lion, etc. Trees, देखो कैक्टाई बहुत एक सिंपल सा याद रख लो. पाम जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, ये याद रख लो. बबूल होता है वो याद रख लो. ये कुछ याद रख पाओगे. सेमी एरिड रीजन्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान बेस्ट है याद रखने के लिए. थोड़ा सा आप मध्य प्रदेश का हिस्सा याद रख लो, कनेक्टेड है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, सॉरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, वो एरिया याद रखो. थोड़ा बहुत यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़ भी फॉल करता है. भूल भी गए तो कोई बात नहीं, ये एरियाज थोड़ा याद रखना, ठीक है. तो उसके बाद हम बात करें तो इन ट्रीज का क्या होता है बच्चा, बिकॉज देर इज नो वाटर, तो इन सर्च ऑफ वाटर रूट्स जो है वो बहुत अंदर तक जाती है, क्योंकि इन जगहों पे पानी कम होता है. तो ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है ना, वो नीचे तक, वो टेबल ही काफी नीचे तक चला गया होता है. तो यहाँ पे रूट्स नीचे जाती है पानी के सर्च में. तो ये यहाँ का ये फैक्टर है. ये बेसिकली माउंटेन फॉरेस्ट्स माउंटेन पे जो होती हैं, ठीक है. इनका हाइट ऑब्वियसली माउंटेन पे है तो 1000 से 200 होगा. यहाँ पे आपको ब्रॉड लीव ट्रीज मिलेंगी, जैसे कि ओक्स, चेस्टनट्स, ये बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होती हैं. मैंने आपको बताया था ना कॉनिफेरस ट्रीज, देखो ये यहाँ पे क्रिसमस ट्रीज जैसे दिखने वाली ट्रीज, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, ये सारी ट्रीज आपको यहीं पे मिलेंगी. हिमालयस के पास
उसके बाद आपको हायर एलिवेशन पे, इन सारे जगहों पे, ठीक है। अगर और ज़्यादा हायर एलिवेशन की बात करें तो वहाँ पे हमें ग्रासलैंड्स भी मिलते हैं। आप और भी देखोगे आपके, मतलब ये चैप्टर तो हटा दिया गया है वैसे, पैस्टोरिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसे बताया गया कि कैसे ये नोमैड्स जो ऊपर नीचे मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर जब बर्फ होती है तो नीचे आ जाते हैं अपने ग्रेजिंग करवाने के लिए कैटल्स को, बट जब स्नो मेल्ट कर जाता है तो ऊपर का ग्रासलैंड लश ग्रीन उनके लिए ओपन होता है, तो ग्रासलैंड ऊपर होता है। तो वहाँ पे भी आपको मिलेंगी मॉसेस, लिचेंस, ये सब टुंड्रा वेजिटेशन से, आपको सब वहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन से सब वहाँ अवेलेबल मिलता है। एनिमल्स जो यहाँ पे आपको नॉर्मली मिलेंगी पहाड़ों में, कश्मीर स्टैग हो गए, डियर वगैरह आप देखोगे बच्चों पहाड़ों में, उनके जंगल में, पाइन फॉरेस्ट वगैरह में बहुत दिखने को मिलते हैं। उसके अलावा याक हो गया, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल्स, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो स्पेसिफिकली आप यहाँ याद रख सकते हो। मैंग्रोव फॉरेस्ट, दलदल जो होता है, ठीक है, मार्शी लैंड्स, वहाँ पे हमें मिलता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये लैंड्स होते हैं जो टाइड से इफेक्टेड होते हैं और दलदली होती है ज़मीन, जैसे कि महानदी, कृष्णा, गंगा, इनके पास आपको इनके डेल्टास पे दलदली ज़मीन मिलेगी। आप पैर डालोगे तो बिल्कुल अंदर चले जाओगे, ऐसी मार्शी लैंड्स है, ठीक है। तो सुंदरी ट्रीज यहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र, डेल्टा, सुंदरबंस जहाँ हमें कहते हैं वहाँ मिलती है। दे प्रोवाइड वेरी हार्ड ड्यूरेबल टिम्बर, तो ये टिम्बर आपको यहाँ से मिलता है, ये आप एक स्पेसिफिक ट्री याद कर सकते हो। उसके अलावा पाम, कोकोनट, ये सारे ट्रीज भी आपको मिलेंगे। और रॉयल बंगाल टाइगर, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट नेम दैट यू हैव टू रिमेम्बर। उसके अलावा घड़ियाल्स, क्रोकोडाइल्स, ये जो मार्शी लैंड में रहने वाले हैं वो मिलेंगे। अब बात करते हैं कि आपके लिए क्या प्रॉफिटेबल है। वेदांतो प्रो सब्सक्रिप्शन बच्चों, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस है, सारी की सारी क्लासेस लाइव है, याद रखना, कर लो ज्वाइन, बात मानो, बहुत ही सही है, ठीक है। फन एंड हाई लेवल क्विजेस, इट विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू कम्पीट विद द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंटरैक्टिव रीप्लेस होंगे, लाइव क्विजेस होंगे, लीडर बोर्ड्स होंगे, ठीक है, प्रीमियम डाउनलोडेबल कॉन्टेंट, हैंड रिटन नोट्स ऑफ मास्टर टीचर्स, ये सब कुछ आपको मिलेगा। बट द बेस्ट पार्ट इज कि क्लास में ही हो जाती है सारी डाउट्स सॉल्व, क्योंकि क्लास टीचर्स भी होते हैं, सिर्फ मास्टर टीचर्स नहीं होते। और हर एक सेशन के बाद ना आपके साथ असाइनमेंट शेयर किया जाता है और टेस्ट भी शेयर होता है। तो जब आपको लगता है यार सैम्पल पेपर करना है, अभी अगले साल के लिए भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं टेंथ के लिए, तो सैम्पल पेपर चाहिए, ये सब यहाँ मिलेगा। और अगर लगा कि ये चैप्टर, ये टॉपिक समझ नहीं आया है, तो माइक्रो कोर्सेज आपके लिए रेडीली अवेलेबल है, इनको आपने करना है बस एक्सेस। सारे क्रैश कोर्सेज, सब कुछ आपके लिए फ्री है विद द सब्सक्रिप्शन मेकिंग लेस अ लॉट मोर। आपने करना बस इतना है, मेरे वीडियो पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लो, वहाँ पे वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, आपको कमेंट में पिन भी मिल जाएगा, वहाँ पे ये कोड लगा लेना बस, बाकी ये सुपर सॉर्टेड। वहाँ पे आपको बोर्ड रजिस्ट्रेशन लिंक भी मिल जाएगा, बाकी सब तो आपको पता ही है, भूलना मत, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग है ये। अब बात करते हैं हमारे आखिरी हिस्से के इस चैप्टर की, जो कि है वाइल्ड लाइफ। मैंने बोला था बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो बच्चा वाइल्ड लाइफ भी इंडिया में उतनी ही रिच है जितनी की हमारी वेजिटेशन है, जितनी की हमारी फ्लोरा है। तो फौना भी उसी अमाउंट में मिला जाता है हमें, जिसलिए मैंने आपको बताया था 90,000 स्पीशीज आपको यहाँ मिलती हैं। About 2,000 species of the birds, ठीक है, constituting 13% of the world's total. तो सोचो कितने हैं। और अराउंड फिश की अगर बात की जाए तो वो भी हम 6% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं विद 2,546 स्पीशीज, जो कि 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, नॉट 6, 12, ठीक है, 12, ठीक है। बिटवीन 5-8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये सब आपको कहाँ मिलते हैं, इंडिया में। एलिफेंट्स हमें पता है, बिल्कुल मैजेस्टिक एनिमल्स है, रोड पे चलते कहीं पे भी चलते हमें एनिमल्स एलिफेंट्स दिख जाते हैं जंगल में। वन हॉर्न राइनोसोरस, मैंने आपको बताया था ना स्वॉम्पी मार्शी लैंड्स में, वहाँ पे ये स्पेशल वहाँ पे एनिमल्स है जो आपको देखने को मिलेंगे। एरिड रीजन में आपको वाइल्ड एस, कैमल, ये सारे कैमल्स आपने पता है, ठीक है, राजस्थान में जंगल डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में ही हमें कैमल्स देखने को मिलते हैं। ऑल्सो वाई, बिकॉज दे हैव अडेप्टेड टू द हीट, राइट, दे कैन स्टोर वाटर over here below their neck, I think, और वो बहुत दिन तक वहाँ से ड्रिंक कर सकते हैं। सो दे आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द लैक ऑफ वाटर। तो एनिमल्स भी वेदर के साथ, रिलीफ के साथ अडेप्ट करके आपको इन स्पेसिफिक रीजन में मिलते हैं। पोलर बेयर्स का बहुत थिक फर होता है, इसलिए वो ठंड सर्वाइव कर पाते हैं, राइट। तो इंडिया ही ऐसी कंट्रीज है जहाँ टाइगर और लायन दोनों होते हैं, बाकी हर जगह, तो कई जगह तो ये दोनों ही नहीं है, कई जगह सिर्फ एक मिलेंगे आपको। और यहाँ पे ही इतनी अनोखी जो है वाइल्ड लाइफ, दे आर कमिंग टुगेदर एंड देयर इज अ कंसोलिडेशन, देयर इज एन इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ऑफ दैट।
The natural habitat of Indian lion is the Gir forest in Gujarat. ओके अगर इसके अलावा हम और भी एनिमल्स की बात करें तो बहुत सारे हैं, ब्लू बुल है, चौसिंघा, चौ मीन्स फोर, सिंघा मीन्स हॉर्न, तो फोर हॉर्न एंटीलोप्स हैं, गीजल है, बहुत सारे अमेजिंग ब्यूटीफुल डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं. सेवरल स्पीशीज ऑफ मंकीज आर ऑल्सो देयर दैट यू कैन फाइंड आउट, राइट. हिमालयस की अगर बात करें तो आपको पता है माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा, यहाँ पे आपको यॉक्स मिलेंगे, शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स मिलेंगी, तिब्बतन हॉर्न एंटीलोप्स मिलेंगे, राइट. ब्लू शीप, वाइल्ड शीप, बेयर, स्नो लेपर्ड, ये सारे एनिमल्स ये हिमालयस में मिलते हैं आपको, ये हिमालयन रीजन में आपको मिलेंगे. बर्ड्स भी, पीकॉक, वाइट, ब्लू, बोथ पीकॉक्स, डक्स, पैराकीट्स, क्रेन्स, पिजन्स, ये सारे बर्ड्स मिलेंगे. एंड दिस इज आवर, यू नो, दिस इज एन एनरिच्ड साइड ऑफ इंडिया. ये हमें दिखाता है कि कैसे इंडिया एक बहुत ही रिच वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन कैरी करती है. अब बात करते हैं कि कैसे देर इज अ थ्रेट टू दुबई लाइफ, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आई फील, नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव पर से, बट आई थिंक दिस इज समथिंग वी हैव टू बी अवेयर ऑफ. हंटिंग हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ों की वजह से वेजिटेशन डिक्लाइन कर रहा है, वाइल्ड लाइफ डिक्लाइन कर रहा है. नॉट डन कमर्शियल पर्पसेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ह्यूमन सेल्फिशनेस एंड No, and greed. This is what is taking everything away from the nature. Alien species, reckless cutting of forests, ये सब कुछ लोगों को इनको बहुत सफ़र करा रही है. मेजर बहुत सिंपल है यार, ठीक है. हमें रिजर्व्स बनानी होंगी, हमें नेचुरल सेंचुरीज बनानी होंगी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं. तो 14 बायो रिजर्व्स जो हैं वो ऑलरेडी सेटअप कर दी गई हैं कंट्री में. गवर्नमेंट हैज़ रियलाइज दैट दिस इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज़. फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इनको दी जा रही है, दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट. गवर्नमेंट विल हैव टू टेक अप इम्पॉर्टेंट स्टेप्स एंड यू नो प्रोएक्टिवली दे आर डूइंग दैट. और इसी के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सब कुछ बस्टर्ड, ये सब कुछ जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है. 89 नेशनल पार्क्स, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल पार्क, ये सब कुछ इंट्रोड्यूस की गए हैं. आपने भी zoos देखे होंगे तो आपको पता है, right? So with this guys, we have come to the end of the session. I hope this was a super fun session for you. वोट के लिए रजिस्ट्रेशन करना मत भूलना. आई एम टेलिंग यू दिस इज योर चांस टू कम बैक, मेक द कम बैक, एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून. उन दोनों का लिंक, वेदांत प्रो सब्सक्रिप्शन का भी, 10th के लिए भी ग्रेड्स यू नो क्लासेस स्टार्ट हो गई, अगर आप अगले साल के एनरोल करना चाहते हो वो भी कर सकते हो. आपके एग्जाम्स अभी नहीं हुए, आप एक महीने के लिए रिवाइज करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो. ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है. कोड लगाना मत भूलना, एंक प्रो कोड है, ठीक है. ये कोड जरूर लगा लेना, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधा कोड अप्लाई होकर आएगा. वोट के लिए रजिस्टर कर लेना, मेक योर कम बैक. एंड गाइज, स्पेशल क्लासेस हो रही हैं आपके बोर्ड के प्रेप के लिए, तो प्लीज मेक श्योर टू अटेंड दोस सेशंस, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन अगर आपको मजा आया. मेक श्योर टू शेयर द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. अभी वोटिंग हो रही है, अभी बहुत कुछ होने वाला है, प्राइजेस विन करने वाले हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना. एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक द वीडियो. आई विल सी यू गाइज वेरी सून. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय.